आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यशाया उसका 42वां अध्याय और उसकी 17 आयत से। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसकी 1-14 आयत तक। साम चैप्टर 27 वर्स फ्रॉम 1-14। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? क्योंकि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा कर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं याह बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। पवित्र बाइबल में से मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगी लुका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 41 से लेकर के 48 तक। लुका रचित सुसमाचार 19 चैप्टर 41 से लेकर के 48 तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तो ही इसी दिन मैं कुशल की बातें जानता, परंतु अब ये तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकू की खो बना दिया है। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। ये मसीह का सुसमाचार है। इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर
प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे, आमीन। फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जो आज हमने पढ़ा है लूका उसके 19 अध्याय को और उसके हमने 41 वचन से आगे पढ़ा है।
ये वो वचन है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम अंदर आ चुके हैं और अंदर आकर के जब यरूशलेम को देखते हैं और उसको देख के उसके ऊपर रोते हैं। और अगले हिस्से में देखते हैं कि वो आगे जब बढ़ते हैं बिल्कुल अंदर जाते हैं तो हैकल में प्रवेश करते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं। और फिर जो आखिरी हिस्सा है उसमें देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लगातार रोज वहां थे और रोज उनको वचन सिखाया करते और लोग बड़ी इच्छा बड़ी चाह के साथ उसको सुनते थे। अभी देखेंगे कि अचानक से भीड़ बड़े उल्लास के साथ बड़ी खुशी बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के उन कामों को बड़े बड़े कामों को देख करके परमेश्वर की महिमा कर रही परमेश्वर की बड़ाई कर रही है। पिछली आयत में हम देखेंगे कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया है गधे के बच्चे गधे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार है, लोगों ने उसके स्वागत के लिए रास्ते में कपड़े बिछाए हैं, हाथों में खजूर की डालियां लेकर के प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं और जैसे वो यतून पहाड़ की ढलान से नीचे को आते हैं और नगर के बीच में जब आते हैं तो प्रभु का वचन कहता वो नगर को देख कर अर्थात यरूशलेम को देख करके उसके ऊपर रोया और वो इस प्रकार से रोता है जैसे कोई अपने मरे हुए के ऊपर रोता है। मेरे प्रियो हम सब जानते हैं इस दुख को, हम सब ने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमने इसको महसूस किया होता है जब हमारे अजीज हमारे दोस्त हमारे मित्र हमारे परिवार के लोग जो है हमारे बीच में से उठा ले जाते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब वो जाते हैं तो हम किस प्रकार से विलाप करते हैं, वो महिलाएँ जिनका पति चला जाता है, वो माँ बाप जिनका जवान बच्चा चला जाता है, जब वो बच्चे जो यतीम हो जाते हैं जब इस चीज को वो समझते हैं तो वो विलाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखते हैं और यरूशलेम को देख करके उसके ऊपर रोते हैं। ये दूसरी जगह पर है जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रोए। इससे पहले जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 11वें अध्याय में रोते हैं जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते जो 4 दिन से मरा हुआ था। वचन में लिखा है वो सबके साथ उनको वहां उस जगह पर जहां लाजर की कब्र थी उस जगह पर गया और वचन में लिखा है लाजर को जिंदा करने से पहले यीशु रोया या यीशु के आंसू बहने लगे। और एक ऐसी जगह पर है प्रभु यीशु मसीह इमोशनल है, उस परिवार के साथ अटैचमेंट है, लोगों की वजह से वहां प्रभु यीशु मसीह या लाजर के साथ प्यार की वजह से प्रभु यीशु मसीह रो पड़े हैं। लेकिन वो रोना खामोशी में है, इतना वो रो बहुत मतलब की बड़ी खामोशी के साथ प्रभु यीशु मसीह वहाँ रोते हैं। लेकिन यरूशलेम को जब वो देख कर के रोते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि इस प्रकार से वो विलाप कर रहे हैं जैसे एक कोई अपने मरे हुए के लिए विलाप करता है अपने मरे हुए के, जिस प्रकार से ये यूहन्ना की तरह या यर्मिया की तरह प्रभु यीशु मसीह का हाल है जब उसने भी यरूशलेम को देख और यरूशलेम के ऊपर हम जो है यर्मिया के 9वें अध्याय में पढ़ते उसके पहले वचन से आगे हम पढ़ते हैं कि वो नगर को देख कर या यरूशलेम को देख करके उसकी बर्बादी को देख करके उसके तमाम हालात को देख करके वो उसके ऊपर विलाप करता है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह नगर को विलाप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह इस समय उस शहर के अंदर आ चुके हैं, प्रवेश किया यतून पहाड़ से नीचे आते हैं उन खूबसूरत वादियों के बीच में जहां लोग उन बड़े कामों को देख करके प्रभु यीशु मसीह के उन कामों को देख करके परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, खुशी आनंद के साथ उसकी जब आराधना करते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस समय रो रहे हैं। When he saw the city, जब उसने उस नगर को देखा, जब उसने उस शहर को यरूशलेम को देखा जिसमें वो प्रवेश कर चुका है, जब उसको आगे आकर के उसने देखा तो वो उसके ऊपर रोया और प्रभु यीशु मसीह ने उस तमाम नगर के पूरे सूरत हालात को देखा और प्रभु यीशु मसीह को रोने के अलावा प्रभु यीशु मसीह को विलाप करने के अलावा और कुछ नहीं उसके पास रहा। क्योंकि जब उसने पीछे देखा इतिहास में व्हेन ही लुक एट द पास्ट ऑफ यरूशलेम, जब उसने पास्ट उसको देखा तो क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह उस कृपा दृष्टि के उस दया के दिनों को उन तमाम मौकों को जो यरूशलेम वासियों के इन तमाम लोगों को दिए गए थे परमेश्वर की दया से जो इनके ऊपर दया हुई थी, जब उन मौकों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता इन लोगों ने उन मौकों को व्यर्थ में गवा दिया बर्बाद कर दिया उन लोगों
उन मौकों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर इसराइलियों की जिंदगियों में, इन लोगों की जिंदगियों में किस प्रकार से काम करता है। एक जगह पर हम पढ़ते हैं शायद मत्ती की इंजील में कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके उसके ऊपर रोता है और यहाँ तक कहता है कि मैंने इतना चाहा कि तुझे इस प्रकार से संभालूं जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है। और ये एक अपने आप में जो है बहुत बड़ी उदाहरण है, मुर्गी अपने बच्चों को संभालते हैं। हमने गांव देहात में अपने घरों में देखा है मुर्गियों के जब बच्चे होते हैं, जब बहुत बड़ा जामुन ऊपर से आकर के उन बच्चों को उठाने की कोशिश करता है तो मुर्गी जो है एक आवाज देती है, बच्चे जल्दी जल्दी चू 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 करके जो है उस जो है मुर्गी के पास जाता है तो मुर्गी जो है अपने पंख फैलाती है और उसे पंख भर के ऐसे लग जाते हैं। एक जगह की बात कहते हैं कि किसी जगह पर मुर्गी ने आग लगी और मुर्गी ने अपने बच्चों को उस अपने पंखों की आड़ में ले लिया और आग इतनी लगी कि मुर्गी जल गई। और जब उसको देखा मुर्गी जली हुई है और जब उसको हिलाया गया तो उसके बच्चे उसमें से जिंदा निकल चू 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 करके बाहर चल गए। परमेश्वर कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है वैसे मैंने बहुत चाहा लेकिन तुमने मेरी ना सुनी, तुमने नहीं चाहा, मैंने तुम्हें कोशिश की। और यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मौके तुम्हें दी गए हैं उनका तुमने फायदा नहीं उठाया, उनको तुमने बर्बाद कर दिया, उनको तुमने व्यर्थ में ले लिया। बहुत बार मेरे प्रियो हमें मौके मिलते हैं, बहुत बार परमेश्वर हमें मौके देते हैं, हमारी जिंदगी में प्रभु कई प्रकार से काम करते हैं, बहुत बार बुरे हालात से, विपरीत परिस्थितियों से, फंसे हुए जगहों से, मौत के मुंह से प्रभु हमें निकाल के, बीमारियों से प्रभु हम निकालते हैं, गिरी हुई परिस्थितियों से प्रभु हमें निकालते हैं, हमें उठाते हैं, हमारी मदद करते हैं। कई बार हमारी बुराइयां, हमारे अपने भयंकर ब्लंडर जब हो जाते हैं, हम जब फंस जाते हैं और कोई चारा नहीं रहता तो प्रभु के सामने जब हम पुकारते हैं हमारी प्रभु सुन करके हमें उन जगहों से बचाता है, हमें छुड़ाता है और हमें मौका देता है, हमें एक नॉर्मल अच्छे तरीके से जो है फिर से लाइन पर आकर के जो है जीवन व्यतीत करने के लिए। लेकिन क्या होता है जैसे वो हालात दिन आगे बीतते हम फिर पहले की जरा ऐसे हो जाते हैं। ऐसे सांप के बारे में कहते हैं कि जब उसकी भी केंचली जो बढ़ती है, उसकी स्किन जब बढ़ती है, आंखों के आगे आती, कानों के आगे, जब उसे चलने फिरने में, देखने में, सुनने में परेशानी होती है, परेशान हो चुका होता है, तो वो भी कहते हैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है और फिर वो कहता है कि इसको हटा, उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, मैं सीधी चाल चलूंगा। उसको इस प्रकार के पंजाबी में कहते हैं रब्बा लादे माल और फिर वेखी मेरी चाल। और ये ही होता है जब उसकी केंचली, उसका सब कुछ हो जाता है और फिर वो वैसे का वैसा अपने उसी पुराने स्वभाव में, अपने उसी पुराने चाल चलन में आ जाता है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, परमेश्वर बहुत कृपा हम पर करते हैं लेकिन हम उस कृपा को पाने के बाद उसको व्यर्थ जाने देते हैं। होना तो ये चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो काम तुझ में किए हैं यदि और जगहों पर किए होते, यदि वो सूर सैदा में किया होते तो वो टाट तोड़ के, खाक डाल के, वो पश्चाताप करके पर आ जाते और उस बड़े भयंकर प्रकोप से, उस बड़ी हानि से, नाश से, नुकसान से बचाए जा सकते। परंतु इन लोगों ने उन मौकों को जो इनको दिए गए उनको बर्बाद कर दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पीछे देखा तो प्रभु यीशु मसीह को इनकी उस नाफरमानी का, उन गवाए हुए बर्बाद किए हुए मौकों को देख करके प्रभु यीशु मसीह को रोना आया। जब प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर देखते हैं, अंदर लोगों की आत्मिक मुर्दापन, आत्मिक अंधापन, लोगों की ये जो है बिल्कुल परमेश्वर को ना पहचानने वाली वो जो ये है, परमेश्वर ने इनके ऊपर, इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, उन्होंने नहीं पहचाना। प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके लिए फोर रनर्स भेजे, उसके लिए संदेह वाहक भेजे ताकि वो परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करें, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। जब यीशु मसीह ने इर्द गुर्द चारों तरफ देखा
और उस पूरे शहर के पूरे नगर के हालात को देखा तो प्रभु यीशु मसीह को रोने के अलावा और उनके ऊपर कुछ नहीं आया, क्योंकि हालात बिगड़े हुए थे, सारा सिस्टम बिगड़ा होता, जो हर प्रकार से करप्शन, हर तरीके से लालच की वजह से, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से लोग जो है तो गंदगी से, बुराई से, तरह तरह के जो है और अप्रकृतित कामों से जो है लोग भरे हुए थे। और प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो आगे देखता है, एक और बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह रो रहा है, पहले तो जो हो गया सो हो गया, अब जो हो रहा है उसके साथ साथ आने वाले समय में जो होने वाला है उसको देख करके प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो जो है आने वाले समय की घटना याद है, जब सन 70 में रोमी लोग आएंगे और 143 दिन आकर के इनकी घेराबंदी करेंगे और 600,000 यहूदियों को मार देंगे और हजारों को बंधुआ बना के ले जाएंगे और उसके बाद शहर को नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे और उसके साथ साथ इस मंदिर को जो है तबाह करके रखें, तोड़फोड़ करके रख देंगे। उस बड़े आने वाले नुकसान को देख करके जब प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले दिनों को देखा तो प्रभु यीशु मसीह उस शहर के ऊपर रोया। मेरे प्रियो, प्रभु हमको मौका देता है, प्रभु ने हमारे लिए काम की है, आइए हम अपना आप परमेश्वर के प्रभु के हाथों के समर्पित करें और अपने जीवन से उस प्रभु की महिमा करें। दूसरे हिस्से में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो अक्सर ये कल भी देखा गया है, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के प्रभु यीशु मसीह उसका शुद्धिकरण करते हैं। अभी मंदिर का शुद्धिकरण करने की क्या जरूरत थी, इसकी वजह हम आगे चल के देखते हैं। और यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में जाते हैं, उनके कबूतरों को उड़ा देते हैं, उनके जानवरों को धकेल देते हैं, उनके मेजों को पलट देते हैं और एक बात कहते हैं, परमेश्वर का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए और तुमने इसको डाकुओं की मांद बना रखा है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। अभी इसके जो है हम कई प्रकार के इसके और हम कारण देखेंगे कैसे ये हो चुका है। अभी देखिए, जब मंदिर में जाते हैं तो लोग पूरे विश्व से यहाँ वर्शिप करने के लिए, फसह का पर्व मनाने के लिए, जो उनका एक बहुत ही वार्षिक त्योहार हुआ करता था, उसको मनाने के लिए जब यहाँ आए हुए हैं। और होना तो ये चाहिए कि जितने भी ये धार्मिक अगवा हैं, जितने भी याचक हैं या जितने भी ये शास्त्री फ्रीसिंग, इन लोगों को, उन तमाम आए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी, उनको लेकर के प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रार्थना करने के अलावा ये बिजनेस में लगे हुए हैं, ये परमेश्वर के घर को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है, यहाँ जो है कबूतरों का, जानवरों का यहाँ बेचना खरीदना यहाँ चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं है, चलो प्रभु यीशु मसीह इसलिए इनके ऊपर गुस्से में आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और इनके मेजों को इधर उधर का इधर उधर पलट दिया, क्योंकि मंदिर, ये हाइकल जो है, प्रभु का भवन जो है, इसके हिस्से होते हैं और एक हिस्सा मंदिर भवन में ऐसा होता है जिसमें अन्य जाति लोग आते हैं और उन अन्य जाति लोगों में की जगहों पर इन्होंने अपने काउंटर बनाए हुए थे। कोई कबूतर लेने वाला है, कोई जानवरों को बेचने वाला है, कोई पैसे का अदला बदली करने वाला है। अभी होता क्या था कि एक तो मंदिर का टैक्स होता था, हैकल का टैक्स होता था, हमने कई और जगहों पर भी देखा, प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस को कहा मछली पकड़ना, उसके मुंह से सिक्का निकल गया, अपना भी और मेरा भी टैक्स पे कर देना। और जैसे पर हम देखते हैं कि एक जो है जो भवन का हैकल का टैक्स होता है और उसको देने के लिए यहाँ पूरे विश्व से या आसपास के पूरे यरूशलेम से लोग जब इकट्ठे होते हैं तो समय से पहले ही उसके तंबू लगाए जाते हैं, उसके टेंट लग जाते हैं ताकि लोग आए, अपना अपना टैक्स, अपने अपने जो है एक तरीके से चर्च मेंबरशिप जो है वो भर दें।
और इस प्रकार से होता है कि लोग पूरे विश्व से पूरे यहूदी लोग आते थे, विश्व के कोने कोने से यहूदी आते थे और उनको यहाँ आकर के स्केल में जो है टैक्स पेमेंट करनी पड़ी, करेंसी जो है यहाँ उनको लोकल देनी होती थी और अपने अपने इलाकों की अपने अपने देशों की करेंसी को एक्सचेंज कराने के लिए वो यहाँ जो है यहाँ होते थे और उसका एक्सचेंज करने के लिए यहाँ इनके जो है काउंटर लगे होते थे। और होता क्या था कि भीड़ लग जाती थी और उस भीड़ के बीच में जो लोग, मान लो किसी ने 5 रुपए किसी का टैक्स बनता है और 5 रुपए लेके खड़ा है, वो खड़ा ही रहेगा, उसके पीछे और आएंगे तो वो खड़े ही रहेंगे, लाइन लंबी होती जाएगी। लेकिन जो 5 को 10 दे करके करता तो उसके एकदम से पर्ची काट के आगे उसको आगे आगे उनको जो है निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से 1 के 2, 5 के 10 बना करके वो काम कर रहे थे। दूसरा क्या होता था कि वो जानवरों को बेचते थे, जानवरों को बेचना भी इतनी महंगाई थी, इतनी ब्लैकमेलिंग की कि जो बाहर जो जानवर या जो पक्षी बाहर जो है, मान लीजिए वो 5 रुपए का बेचा जाता था या खरीदा जाता था, वो इस जगह पर आकर के वो 70 रुपए का खरीदा जाता था। इस प्रकार का जो है इनके बीच में जो है घपला चल रहा था। और इसकी वजह क्या थी कि जिस भी जानवर का या जिस भी पक्षी का जो जो बलिदान चढ़ाया जाना था, जो सेक्रीफाइस के लिए दिया जाना था, उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी था, उसको अप्रूव करना, पास होना बिना जो है खोट के होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। उसके दोष को चेक करने के लिए इनकी एक कमेटी होती है। और कई बार ऐसा होता था कि जो बाहर से, बाहर वाली जगहों से जो ये जानवर जो पक्षी खरीद के लाए जाते थे, उसको ये डिसअप्रूव कर देते, उसको जो है उसमें खोट निकाल करके वापस भेज जाते। इस रिस्क से कि उसमें खोट ना निकाली जा सके, बाहर से ना खरीद करके ये मंदिर के इस प्रांगण में से जो है ये खरीदते थे और ये मंदिर से खरीद करके ताकि यहीं के लोग होंगे और यही हमारा इसको जो है अप्रूवल दिला देंगे। और उससे ये नजायज फायदा लेते थे, हजारों रुपया ये जो है अपने फायदे के लिए लोगों की लूट करते थे, लोगों का शोषण करके अपनी जेबों को भरते थे। फिर हम देखते हैं कि एक और विशेष जगह जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे परमेश्वर का, जो मेरे पिता का घर जो है ये प्रार्थना का घर होना चाहिए, जिसको तुमने डाकुओं की खोब ना दिया है। यहाँ ये हिस्सा जिस पर ये इन्होंने अपने काउंटर बनाए हुए हैं, ये हिस्सा जिस पर ये जो लेन देन कर रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं या ये जो जानवरों को बलिदान के जानवरों को बेच रहे हैं, ये वो हिस्सा है। यहाँ अन्य जाति लोग आते हैं और वर्शिप अटेंड करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मौका होता है अन्य जातियों को गवाही देने का, अपने सच्चे जीवते परमेश्वर, अपने उस सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में बताने का। क्योंकि अन्य जाति क्या है, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो तरह तरह की सृष्टि की चीजों की पूजा करते हैं, उस परमेश्वर की सृष्टि चीजों की बनाई हुई चीजों को देखते हैं। यहाँ उनको मुश्किल होती है, उसी मुश्किल को आसान करने के लिए उस जगह के किसी ईस्ट किसी देवता को वो उसकी वेदी बना करके उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोमियो में या उस समय के जो भी हालात थे, बहुत सारे अपने अपने देवी देवता बनाए हुए थे, उसके पीछे वो चलते थे, सच्चाई से वो कोसों दूर हुआ करते थे। ये मौका था इन महायाजकों के लिए, इन शास्त्रियों के लिए, इन फरीसियों के लिए कि लोग आते, भवन में आते, लोग फसा का त्यौहार मनाने के लिए आते, वो जो अन्य जाति मित्र हैं इनके, और उनको ये परमेश्वर यहोवा की सच्चाई का, उसके कामों को बयान करके, उसके वाचाओं को बता करके उनको सच्चाई दिखा सकते थे। और तमाम उन मूर्ति पूज चीज़ों से, तमाम उन बातों से जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को जो परमेश्वर उस सृष्टि कर का छोड़कर सृष्टि कि ये जो उपासना करते हैं उनसे उनको बचा करके उनको परमेश्वर के साथ मिला जाता, जिसको आज की भाषा में हम करते हैं उनको एवेंजलाइज किया जा सकता था, जिस जो इन्होंने नहीं किया। उल्टा क्या किया कि इन्होंने
उनको ये गवाही ना दे करके, सच्चे ईश्वर की गवाही ना दे करके, उनकी जगह ये लालच में आ गए, उनकी जगह ये अपने ही लालच से भर करके अपने ही पेट को, अपने ही जो है धंधे को चलाने के लिए उस जगह को घेर लिया। तो जो अन्य जाति जो जो है नॉन ज्यूस जो उस जगह पर आकर के वर्शिप कर सकते थे, जान सकते थे, उस सच्चाई के पीछे आ सकते थे, उससे उनको वंचित कर दिया, उनको अंदर आने से, जगह पर आकर के यहोवा परमेश्वर की, उस सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक दिया। और जब ये हालात प्रभु यीशु मसीह ने इस मंदिर में आकर के देखे, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया, और एक जगह पर यह भी लिखा कि तेरे घर का मुझे जो चिंता, मुझे मेरी जान खा रही, चिंता लगी हुई है। और यहाँ यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया, उनके जो है तमाम जो 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 कबूतर है उनको बाहर निकाल दिया, उड़ा दिया वहाँ से, उनके जानवरों को निकाल दिया, उनके मेजों को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने एक बात कही, मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए, जिसको तुमने डाकुओं की खो बना दिया, या डाकुओं की, चोरों की मांद बना दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये जो मंदिर की सफाई है, हम देखते हैं कि जो तीनों चारों सुसमाचारों में है, लेकिन चौथे सुसमाचार अर्थात जो यूहन्ना की अंजील है उसमें ये दो बार आया है। पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय के 13 वचन से आगे हम देखते हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह काना गलील की, गलील की उस काना की शादी में एक मौजा करते हैं, और उसके बाद कुछ दिन वो जो है बैतनिया में रहते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह आगे मंदिर हैकल में प्रवेश करते हैं। और ये सब कुछ देख करके प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, इसको व्यापार का घर मत बनो। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ देखा व्यापार हो रहा, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ थोड़े पोलाइट थे, इसे व्यापार का घर मत बनो। लेकिन जब उनकी सेवकाई का अंत समय आ रहा है, चारों अंजीलों में ये लिखा हुआ है, जैसे हम जो है ये मत्ती में, लूका में हम पढ़ते हैं, हम मरकुस में हम पढ़ते हैं, हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके ऐसे सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख दिया, उनको कहा है कि इसको तुमने डाकुओं की खोप ना रखा। आज भी जो हमारे कलिसियों के बीच में, मंडलियों के बीच में जिस प्रकार से हम धार्मिक अगुवे जिस प्रकार से करते हैं, वो एक तरीके से हमने भी डाकुओं की खोप बना रही है। परमेश्वर के किसी दास ने कहा है कि ये डाकुओं की माद बनाना या डाकुओं की खो बनाने का मतलब क्या होता है, जब लोग हर प्रकार के संसारी कामों में, बुरे कामों में, चोरियों में, डकैतियों में, तरह तरह के इमोरलिटी में, जब और इस प्रकार के कामों में लगे होते हैं, और उन कामों से अपने आप को शुद्ध करने के लिए या अपने आप को जो है अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए वो चर्च में आते हैं, वो इस इन जगहों पर आते हैं, धार्मिक स्थानों पर आते हैं, और अपने दान के द्वारा, अपनी धार्मिक रीति क्रियाओं के द्वारा वो जो है इन तमाम कामों को करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को देख करके जलन हो रही है। यीशु मसीह को ये तमाम देख करके जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उसने उनको उल्टा पुल्टा करके इसको डाकुओं की खो मत बनो, डाकुओं की खो मत। यहाँ एक हाथ का बनाया हुआ मंदिर है जिसको हम हैकल कहते हैं, प्रभु का भवन कहते हैं। एक मंदिर वो है जो हम हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है ग्रंथियों की पत्री में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का वचन हो, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्थान है और वो तुम हो। ऐसे हम अपने आप को कई प्रकार की इन बातों से, कई प्रकार के रीति विधियों, इन तमाम प्रैक्टिस से जो गलत है, जो असामाजिक है, जो एंटी सोशल है, इन तमाम में पढ़ करके हम भी बहुत बार हम सच्चाई से, परमेश्वर के वचन से, आराधना, सच्ची आराधना करने से हम भटक जाते हैं। वक्त है कि ये जब हम होली वीक में प्रवेश कर चुके हैं, आज पहला दिन है, मंडे का दिन है, आइए हम प्रार्थना में समर्पण अपने आप को करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और तीसरी चीज, जो आखिरी चीज है इस हिस्से में, हम पढ़ते हैं तीसरे हिस्से में कि प्रभु यीशु मसीह
रोज वहां थे, रोज आराधनालय में रहते थे, हैकल में रहते थे और परमेश्वर का वचन सरेआम सिखाते थे। और वचन में लिखा है कि जितने भी वहां आए थे बड़े चाह के साथ, बड़े एकाग्रता के, कंसंट्रेशन के साथ, मन के एक एक भूख प्यास के साथ परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर के वचनों को, उस वाणी को सुनते थे। यहाँ ध्यान करने वाली बात है, यहाँ ये महायाजक भी हैं, याजकीय मंडली भी है, यहाँ शास्त्री भी हैं, यहाँ फरीसी भी हैं, यहाँ लोगों का जो प्रमुख जगहों पर लोगों के प्रधान भी हैं। ये चारों कैटेगरी की अपनी अपनी एक जिम्मेवारी है। याजक कहो, महायाजक कहो, वर्शिप के काम, आराधना के काम सारे इनके होते हैं। और जब हम शास्त्रियों की बात करते हैं, वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को सिखाते हैं। और फिर हम बीच में आते हैं यहाँ दूसरे लोग जो फरीसी हैं। और फिर हम देखते हैं जो आगे एक ग्रुप है जो जो सिनागोग के प्रधान होते हैं, जो इस पूरे के पूरे आराधनालय में 70 लोग होते हैं, जो इस पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जिनका काम है इस सारे कानून व्यवस्था को देखना। और ये लोग जो है उसी को तोड़ रहे थे। ये लोग जो है ये परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। कौन? ये चारों कैटेगरी, याजक, शास्त्री, फरीसी और तमाम ये प्रधान, जितने भी आराधनालय के प्रधान और लोगों के जो है प्रमुख जगहों को रखने वाले हो। एक एक कहा जाए कि जो प्रबंधक कमेटी या मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, एक ऐसी कमेटी के लोग हैं जिनका काम इसको बनाना है, इसको मेंटेन करना है। और दूसरी जगह साधारण लोग हैं जो पूरे विश्व से आए हुए हैं, भवन में हैं, आराधनालय में हैं। और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह उनको वचन सिखाते थे रोज, और वो बड़े चाहत के साथ परमेश्वर से के वचनों को सुनते थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ वचन दोनों को सिखाया जाता है, दोनों खुदा के घर में है, दोनों परमेश्वर के घर में है। ये प्रबंधक भी, ये महायाजक भी, ये शास्त्री भी, ये फरीसी भी। और ये लोग जो आम साधारण लोग हैं, जो सिर्फ वर्शिप करने के लिए या फसह का फेस्टिवल मनाने के लिए, इस समय में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहते हैं और बीच में रह करके उनको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। लेकिन उनमें चाहत है वर्शिप करने की, आराधना करने का उनका हृदय, दिल है। लेकिन ये जो चार कैटेगरी के लोगों को बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ कमियों को निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए फंदा तैयार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को बातों को पकड़ के और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, विवश थे, हर बात में निरुत्तर थे। क्योंकि जितने भी लोग आए थे, वचन में लिखा बड़े चाह के साथ प्रभु की बातों को सुनते थे। सारी सारी भीड़ उन कामों को देख करके, जैसे पीछे देखा, वो ललकार रही थी, वो आनंद के साथ जो है ललकार रही थी, वो सना के नारे लगा रही थी। आज आम साधारण, जन साधारण के लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन जितने भी लीडर्स हैं वो जो है उनमें करप्शन है। हम दूसरों को जानने के लिए चर्च में, चर्च के बाहर दूसरे धार्मिक संतों को जानने से पहले आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, देखें और अपना आप प्रभु के हाथों के समर्पित करें। इस पवित्र सप्ताह में हम पवित्रता की तौर बढ़ें, प्रभु की पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगे कि हम सबको प्रभु के योग बना सके। प्रभु हम सब पर आशीष दें। आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिए हुए समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे महान प्रेम, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बड़े बड़े कुफारे के लिए, बलिदान के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब के लिए किया, हमें बचाने के लिए, हमें पूरी रीति से तंदुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए तूने अपने बेशकीमत लहू को बहाया। पिता परमेश्वर तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारे बीच में से रोगों बीमारियों को दूर करने वाला प्रभु है। इस समय कोरोना वायरस पिता परमेश्वर जो खतरा बना हुआ है पिता परमेश्वर हमारे देश पर और पिता परमेश्वर पूरे विश्व पर, इस सारे खतरे से पिता परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा मद करें और इस वायरस को बिल्कुल प्रभु जी ख़त्म करें।
ताकि पिता परमेश्वर हम सब तुझ में तेरे अनुग्रह में बने रहे और तेरी सेवा तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने आप को और प्रभु जी आने वाले इस होली पवित्र सप्ताह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसमें हम तुझ पर तेरी भलाइयों तेरे अनुग्रह को प्रभु जी देखते रहे तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सुने यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।